दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जहां पर जनता ने किसी भी एक पार्टी को अपने बल पर मेजोरिटी नहीं हासिल करने दी, आप सभी को पता होगा अगर बीजेपी की बात करें तो 105 और शिवसेना 55 करीब करीब समथिंग सीटें जीती है, लेकिन वहीं कांग्रेस और एनसीपी को भी बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में जिस तरह से जनता ने वोट दिए हैं उससे ये साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को जनता ने ये याद दिलाया है कि अगर आप जनता के अपने मुद्दे नहीं उठाए तो हम आपको वोट नहीं देंगे। वहीं आपको बता दूं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एमआईएम ने अपनी शक्ति का परिचय दिया है। दरअसल कोई ये नहीं कह रहा था कि एमआईएम जिस तरह का परफॉर्मेंस उसने महाराष्ट्र में किया है वैसा करेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं अधिक स्थानों पर जीत हासिल नहीं करने पर भी अल्पसंख्यकों के वोट विभाजन के चलते अनेक पार्टियों की जीत जो है हार का कारण बन गई, खास करके कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी को एमआईएम ने करारा शॉक दिया है। लगभग 44 निर्वाचन क्षेत्रों पर जो है एमआईएम की वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई है और जिस तरह से एमआईएम ने बहुत बड़ा कमबैक किया है महाराष्ट्र में उसे ये साफ नजर आता है कि आने वाले चुनाव में एमआईएम काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है महाराष्ट्र के अंदर। वहीं आपको बता दूं दोस्तों इन सारे चुनाव में जो एमआईएम जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है। वो क्या कुछ रचा है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी चाहते हो वो ईवीएम से ना कराया जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं इसी क्रम में औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र आप लोगों को पता ही होगा औरंगाबाद। दोस्तों औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र में एमआईएम के एक उम्मीदवार को 80% वोट मिले हैं। ये बहुत बड़ा इतिहास बनाया है एमआईएम ने। चुनाव के इतिहास में किसी एक उम्मीदवार को वोट मिलना ये पहली बार हुआ है महाराष्ट्र में कि 80% वोट मिले। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं इतिहास रचा जो एमआईएम ने वो है बिहार से। बिहार की किशनगंज सीट से एमआईएम ने बीजेपी प्रत्याशी को हरा करके जीत हासिल की है, यह भी इतिहास में पहली बार हो रहा है। इसी तरह जो है कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर एमआईएम का अच्छा प्रदर्शन रहा है। दोस्तों इस पे आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।